हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आप लोगों के लिए छोले बनाने की बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने मसाले के लिए 5 से 6 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 7 से 8 पीस काजू, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गर्म मसाला, 2 से 3 कलियां लहसुन की और 3 कटे हुए प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। मैंने 250 ग्राम चने को 6 से 7 घंटे भिंगो करके रखा हुआ था, उसे मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद कुछ इस तरह का कलर निखर के आता है। मैंने जब चना उबाला था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ था ताकि चने के अंदर नमक अच्छी तरह से चला जाए। सारे मसालों को मैंने तेल में थोड़ी देर के लिए भून करके निकाल लिया है। गर्म पैन में मैंने तेल डाला है और उसमें थोड़ा सा जीरा और 2 मिर्च मैंने डाली है। प्याज को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने उस तेल में प्याज को डाला है और प्याज को अच्छे तरह से भूनना है। प्याज में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अच्छे से प्याज इससे गलना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में प्याज को चलाते रहें। देखिए प्याज गल करके आधा हो चुका है और यहाँ मसाला तैयार हो चुका है। अब मैंने मसाला डाल दिया है। सारे मसाले को प्याज में अच्छी तरह से मिलाना है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला हुआ है, आधा चम्मच हल्दी डाला है, तेल का कमी है। अब उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और मैंने कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच डाला हुआ है। कश्मीरी मिर्च से देखिए कलर इतना सुंदर आ रहा है। अब मैंने उबला हुआ चना डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे मैंने ढक ढक के पकाया हुआ है। ढक के पकाने से कलर अच्छा आता है। अब मसाले में से देखिए तेल छूटना शुरू हो गया है, यानी मसाला भुजा चुका है। अब मैंने अब इसमें 2 से 3 कप पानी डाला है और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है। मैंने इसमें अमूल बटर का यूज़ किया हुआ है। देखिए छोला तैयार हो चुका है। वीडियो को आप ज़रूर देखें, बनाएं और शेयर करें। थैंक यू सो मच।